हेलो, आज हम इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस। क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड के कारण से, उम्र होने के बाद कारण से या नहीं भी कारण से प्रोस्टेट ग्लैंड में काफ़ी तरह की समस्याएं होती हैं, खासकर उनके लिए जिनके पेशाब रुक जाते हैं और पेशाब निकलते नहीं हैं, तो उनको पेट में काफ़ी दर्द होता है, उनको काफ़ी परेशानियाँ होती है, सिर्फ प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए। तो हर किसी को इस रोग के बारे में पता है और इसके लिए लोग, प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए लोग ऑपरेशन कराते हैं और तरह तरह की चीज़ें करते हैं। तो आज हम क्रॉनिक प्रोस्टाइटिस की बात करेंगे, प्रोस्टेटिस की बात करेंगे। क्रॉनिक प्रोस्टेटिस में, क्रॉनिक क्या होता है? दो तरह का रोग होता है, एक एक्यूट, एक क्रॉनिक। एक्यूट मैंने अचानक से हो गया, कुछ नहीं था, पहले सब ठीक था, अचानक हुआ तो, और बहुत सीवियर होता है, उसको संभालना थोड़ा मुश्किल होता है, इमरजेंसी केस जैसे है। और क्रॉनिक क्या होता है? धीरे 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 आगे बढ़ता है, तो आप जितना जल्द उसको ठीक करेंगे उतना अच्छा है। तो सबसे पहला जो दवा है प्रोस्टाइटिस के लिए, इसमें क्या होता है? ग्लैंड एनलार्ज होता है पेट में, पेट के नीचे नीचे पेट में जहाँ मूत्राशय रहता है, मूत्राशय जहाँ पेशाब जमा रहता है उस जगह में, वहाँ क्या होता है? जब यूरिन करेंगे, पेशाब करेंगे तो पेनफुल होता है और कभी कभी ड्रिबलिंग धीरे धीरे गिरता है। तो आप अगर पैंट पहने रहेंगे उसके भीतर पेशाब हो जाता है, या फिर कभी कभी क्या होता है वहाँ पर चिनचिनाहट होती है। तो पहले ये पेशाब के लाइन में दो तीन दवाएं बहुत कारगर हैं, हम एक के बाद एक डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम सिर्फ डिस्कस करेंगे प्रोस्टाइटिस की। तो मेरे कहने का है कि अगर ऐसा है तो हम शुरुआत करेंगे पहले उसके रिलेटेड इन्फेक्शन को, पहले इन्फेक्शन को दूर करना है। इन्फेक्शन दूर करने के लिए सबसे पहले हम यूज़ करेंगे, नीचे वीडियो के नीचे मैं डाल दूंगा पावर में, और ये कैंथरिस 200, कैंथरिस पावर 200, छोटी बोतल में 5 ml, 10 ml, 20 ml, आप कोई भी दुकान से आपको होम्योपैथिक दुकान में मिल जाएगा। अच्छा, मैं ये बोलना भूल गया कि हम बात करते हैं इकलेक्टिक मेडिसिन की, और इकलेक्टिक मेडिसिन एकदम डिफरेंट है होम्योपैथिक मेडिसिन की। हम होम्योपैथी की बात नहीं करते हैं, 100% रेमेडी और 100% सोल्यूशन की बात करते हैं। तो कैंथरिस 200, कैंथरिस 200 तभी लिया जाएगा जब जलन रहेगा, पेशाब के लाइन में कभी भी कोई जलन हो, या पेशाब जब करे तो आप सूंघें, दूसरा कोई सूंघे तो उसको दुर्गंध महसूस हो, पेशाब में ऐसे स्टिंग टिंग एक गंध आएगा। अगर ऐसी हालत होती है तो कैंथरिस 200, कैंथरिस 200 जो है आपको लेना है दिन में 2 से 3 बार, 4 बार, 2 ड्रॉप, 2 बूंद करके 4 से 5 दिन लेंगे, स्टॉप करेंगे। लेकिन मैं ये कैंथरिस की बात तब कर रहा हूँ जब हम एक्चुअली बात कर रहे हैं क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस की। क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस में प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ा हो गया है और उसमें पेशाब करने में ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, पेशाब ड्रिबलिंग हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, ऐसी हालत में हम दवा की बात करेंगे। तो वो दवा है सेबल सेरुलता। सेबल सेरुलता को अब लेना कैसे है और पावर क्या है? सेबल सेरुलता का पावर रहेगा मदर टिंचर, टिंचर पावर रहेगा। और उसको क्या करना है कि 10 ड्रॉप उसको एक छोटा कप में आप डालेंगे, आधा कप पानी डालेंगे, और उसको आपको लेना है एक बार में लेंगे और दिन में 3 बार लेंगे, माने 30 ड्रॉप आपको सेबल सेरुलता लेना है। ये मैं अपनी पुरानी वो डायरी था, मैं पहले बार बात किया था उस डायरी पर ही बात कर रहा हूँ, अपनी डायरी है, मेरा एक्सपीरियंस मैंने इसमें लिख के रखा है, काफ़ी वर्षों का एक्सपीरियंस सहज के रखा है, उसी में से मैं एक एक करके आपको बताते जाता हूँ। तो सेबल सेरुलता 10 ड्रॉप थोड़ा सा पानी में डाल के आपको लेना है दिन में 3 बार, ऐसा आप कंटिन्यू रखें 7 से 8 दिन के भीतर। मुझे उम्मीद है कि ये जो प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है ये ख़त्म हो जाएगा, पेशाब नॉर्मली आना शुरू होगा। जब ऐसा कुछ होता है तो तब ये जो है ग्रोइन में पीछे जहाँ हमारा एनस रहता है, तो इस पैखाना का द्वार रहता है, उस जगह में भी दर्द आना शुरू होता है पीछे में। तो अगर ऐसा कुछ दर्द आता है जो हिस्टोरेक्टोमी
हेमरॉयड्स या क्या बोलते हैं बवासीर के कारण भी आता है, उसके लिए एक बहुत अच्छा दवा है। अगर ऐसा साथ में है दर्द भी है तो एस्कुलासिप, एस्कुलासिप पावर 6, इसको दिन में 4 से 6 बार 2 ड्रॉप करके जीभ में डालना है, पावर 6 2 से 3 बार, तो वो दर्द भी अगला दिन तक विद इन 24 आवर्स वो दर्द भी चला जाएगा। और ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड का जो ये है ये भी आपको 4 से 7 दिन के भीतर कम्प्लीटली ठीक होने का उम्मीद है। तो इसको भी आप अपने मैं जो बोलता हूँ उसको डायरी में ज़रूर नोट करेंगे और नोट करके रखेंगे और उस पढ़ेंगे, और अगर आप खुद कन्विंस होंगे तो आप पढ़ने के बाद किसी भी मेट्रिया मेडी का ऑनलाइन में मिलता है, आप उसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, उसमें डोज नहीं रहता है। और ये इस चैनल में हम डोज पावर और दवा की पूरी बात करते हैं। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए हम बात किए और ये ठीक हो सकता है बिना किसी ऑपरेशन के, तो उम्मीद है आप इसको देखेंगे। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे और आप कमेंट भरपूर करिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, तो उसके बारे में हम फिर बात करेंगे। और हाँ, कुछ लोगों ने जैसे जैसे क्वेश्चन पूछा था हमने उसका अपने हिसाब से उनका जवाब दिया था, उम्मीद है उनको भी उनका जवाब मिला होगा और उनको उसका बेनिफिट भी मिला होगा। अगर आपको इसका कोई बेनिफिट मिलता है और आपको हमारे वीडियो या कमेंट से कुछ मिलता है, क्योंकि इसमें से मेरा कोई रोज़गार नहीं होता, तो आप कम से कम एक कमेंट डालेंगे तो, और वीडियो को व्यू करेंगे, लाइक करेंगे, तो मुझे थोड़ी खुशी होगी। तो अगर आप वीडियो को देखें और लोगों तक फैलाएँ तो मैं आगे और वीडियो देने की कोशिश करूँगा। चलिए अभी के लिए विदा लेते हैं आपसे, नमस्कार, खुदा हाफिज़, थैंक यू।